प्रैक्टिकली होता है. दिस इज कॉल्ड आइडियलाइजेशन. पहला टाइप का आइडियलाइजेशन, टू मेक द थिंग सिंपल. रोलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू इलेबोरेट. ठीक है, इसलिए हम रोलर से बता, ठीक है, इसी को आइडियलाइजेशन कहते हैं. ये पहला टाइप का बात. दूसरा आइडियलाइजेशन, टू मेक द थिंग्स एज पर योर विश. टू मेक द थिंग्स एज पर योर विश, मतलब आप चीजों को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना देते हैं. दैट इज कॉल्ड आइडियलाइजेशन. इसका एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग अपने कैमरे से फोटोग्राफ खींचते हैं, ठीक है, ठीक है, आप अपने कैमरे से फोटोग्राफ खींचते हैं. फोटोग्राफ खींचने के बाद, ठीक है, फोटोग्राफ खींचने के बाद उसको किसी ऐप में ले जाते हैं, और ऐप में ले जाते हैं, जबरदस्ती का अपने चेहरे पे किस विस और दिल विल बना देते हैं. ठीक है, आप लोग के नसीब में तो ये सब है नहीं, ठीक है, जबरदस्ती उसी ऐप के थ्रू ही करते रहते हैं ये सब, ठीक है, और बना के उसके बाद आप उसको फेसबुक पे पोस्ट करते हैं. इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड आइडियलाइजेशन. ठीक है, सब लोग अपने आप को फोटोग्राफ में फेयर कर देता है और सब लोग अपने आप को चिकना बना देता है. क्लियर? दैट इज कॉल्ड आइडियलाइजेशन. ठीक है, सो ये सब लोग करते हैं ऐप में ले जाके. क्लियर? ये एक टाइप का आइडियलाइजेशन है, टू मेक द थिंग्स एज पर योर विश. ठीक है, चीजों को आइडियलाइज कर देते हैं. आप हैं कुछ और, लेकिन अपने आप को आइडियलाइज कर दिया. आइडियलाइज मतलब जैसा आप चाहते थे वैसा कर दिया, अपने आप को फेयर बना दिया, अपने आप को चिकना बना दिया, अपने ऊपर फूल बरसा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसको फेसबुक पे डालते हैं. दिस इज कॉल्ड अनदर. तो जब हम इक्विलिब्रियम बोल दिए, तो फिर हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड, सिग्मा एम एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम जेड, ये सब जीरो. हम इक्विलिब्रियम बोल दिए तो ये ऑटोमेटिकली जीरो. या फिर हम ये बोल दिए कि ये सब जीरो है तो वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम. नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, पता नहीं, ध्यान से सुनिए. हम बोले कि हम बोले राम एक आदमी है. हम बोले राम एक आदमी है. तो अगर हम बोल दिए कि राम एक आदमी है, तो हमको ये बोलने की जरूरत है कि उसकी दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, दो हाथ है, दो पैर है. ये बोलने का कोई मीनिंग नहीं बनता. जब हम बोल दिए कि वो आदमी है, तो ऑटोमेटिकली आदमी का दो ही आंख होता है, दो कान होता है. कुछ लोग एक्सेप्शनल होते हैं जिसका चार आंख होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, सब भूत होता है. ठीक है, तो वो सब डिस्कस नहीं करना. इन जनरल अगर आदमी हम बोल दिए, तो जो होता है आदमी को वही होगा उसको भी. इजंट इट? नाउ इसी के अपोजिट सोचिए. हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि एक ऐसा लिविंग बीइंग है जिसका दो आंख है, एक नाक है, दो कान है, ऐसा वो देखने में लगता है, दो आंख है, दो पैर है, और ऐसा ऐसा देखने में लगता है. तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि नहीं, कि ऐसा होने वाला कोई जानवर नहीं होगा. ठीक है, तो दोनों तरीके से समझा जा सकता है. तो इक्विलिब्रियम बोल दिए तो सारा फोर्स जीरो होता है, और सारा फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम. तो दोनों चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. या तो हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे या सारा फोर्सेस जीरो बोलेंगे, दोनों चीज नहीं बोलेंगे आज के बाद. ठीक है,